के निचले तबके के निर्धनता व्यक्तियों को आपने चुना है सब, और इसमें आप देखेंगे कि मुसहर, वंटागिया, सहारिया और थारू वर्ग के जितने परिवार प्रदेश में थे इन सभी को 100% संतृप्त किया जा चुका है। ये एक सैचुरेशन का जो मॉडल है ये पहली बार इस तरह स्टेट के प्लान में किया गया है सब। और जेई, एईएस, कालाजार, इनके जो भी पीड़ित लोग थे इनके घरों को भी पूर्णतः संतृप्त कर दिया गया। आप सब 1 सितंबर को 551,000 ऐसे लाभार्थी जिनका वर्ष 2021 और 21-22 में मकान स्वीकृत करके बनाया गया है, इनको आज आपके शुभ का कमलों द्वारा इनका गृह प्रवेश होगा सर। और इन मकानों की लागत 6,637 करोड़ रुपए है सर। पिछले 4 वर्षों में जो 27 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं सर, ये 32,676 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर। आगे सर विभाग इसमें क्या करना चाहता है सर, ये आपके संज्ञान में लाना है कि कई घर कतिपय विकास खंडों में और गाँव में गरीब लोगों के छूट गए हैं सर। ये कुछ टेक्निकल कारण था, रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन जियो टैगिंग नहीं हो पाई, इन कारणों से आज की तारीख में ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो पा रहे सर। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक राज्य है सर जो ACCC के डाटा को सैचुरेट करने के बाद आवास प्लस पे अब चल रहा है सर, बट बाकी ज्यादातर प्रदेशों में ACCC के लिस्ट पे ही पैसा मिल रहा है, उन्हीं को अभी सैचुरेशन करने का काम चल रहा है, इसीलिए वो नए पंजीकरण नहीं खोल पा रहे हैं। तो इसमें हमारा सर आपसे सादर अनुरोध यह है कि हम अगर इनका एक पंजीकरण कर लें अलग से और मुख्यमंत्री आवास योजना में जैसे जैसे बजट की व्यवस्था हो इनके घर बनाने की व्यवस्था की जाए, तो एक निश्चित अवधि में प्रदेश सरकार ये घोषणा कर सकती है सर कि अब यहाँ पे कोई भी वापी बगैर घर के नहीं है। सर आज के इस कार्यक्रम में पुनः एक बार में सभी लाभार्थियों का स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी ग्राम विकास से कि वो स्वागत संबोधन करना चाहें। माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास, अपर मुख्य सचिव सूचना, अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के सभी जनपदों से जुड़े सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय ब्लॉक प्रमुखगण, माननीय अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के सभी सम्मानित लाभार्थी भाइयों बहनों, ग्राम्य विकास विभाग एवं अन्य विभागों के जुड़े सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लाभार्थी साथियों, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से चल रहे इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की और उसमें जो कठिनाई है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना में उसके समायोजन का भी अनुरोध किया है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी यथासमय जरूर विचार करना चाहेंगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 30 वर्षों में 53 लाख आवास का विवरण आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। 53,000 और 4 वर्ष में आपके आशीर्वाद से 41 लाख आवास का निर्माण संभव हो सका है, जो एक रिकॉर्ड ही नहीं पूरे देश के अन्य प्रदेशों के सापेक्ष एक नए इतिहास का सृजन हुआ है और जिसका सारा श्रेय आपके कुशल मार्गदर्शन को और आपके ही आशीर्वाद को माननीय मुख्यमंत्री जी जाता है। आज 5,35,000 लोगों को का गृह प्रवेश होगा, उन्हें उसकी चाबी सौंपी जाएगी और वो शुभ इसलिए है कि वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें वो गृह प्रवेश का आशीर्वाद और उसकी चाबी एक पीठ के पीठाधीश्वर के कर कमलों से मिलेगी और उनके आशीर्वाद से मिलेगी। तो मेरा विश्वास है कि जिस दिन से उसमें वो प्रवेश करेंगे उनकी उत्तरोत्तर उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति से वो मजबूत होंगे और जिसका मुख्य कारण आपका मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद है। इन 5,35,000 लोगों के इतर जो हमारा लक्ष्य था वो 7,32,000 और 4,34,000 का वित्तीय वर्ष 2020 और 21 और 21-22 को लेकर है और 5,35,000 का लक्ष्य
प्राप्त करना भी मैं समझता हूं कि आपके दिए संबल और आपके दिए विश्वास का ही प्रतिफल है कि हमारे ग्राम्य विकास विभाग ने दिन रात मेहनत करके उसे पूरा किया, पूरा ही नहीं किया, उसकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया। आपके अवलोकनार्थ कुछ आवासों का विवरण भी प्रस्तुत है जिसमें पुराने आवासों की स्थिति और नए आवास जो परिवर्तित उनकी हैसियत और स्थिति है उन दोनों का चित्र आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। निश्चित रूप से उसके अवलोकन से मन खुशी से भर जाता है कि काश यह योजना और पहले अन्य लोगों की सोच से जुड़ जाता तो आज उत्तर प्रदेश की जो प्रगति हम चार वर्ष में कर पाए हैं उसको कहीं और ज़्यादा हम कर सकते। मुझे लगता है कि आप ही के कर कमलों और आप ही की कृपा पर यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को प्राप्त होनी थी, इसीलिए आपके आशीर्वाद से ग्राम विकास विभाग के प्रति जो आपका विश्वास था उसे विभाग ने पूरा किया है और आगे जो भी लक्ष्य शेष है वो उसका कार्य प्रगति में है और का वो कार्य भी आपकी अपेक्षा के अनुसार निश्चित समय सीमा में हमारा विभाग पूरा करेगा, ये मेरा विश्वास है। सदैव मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी कहा आज भी कि मुख्यमंत्री आवास योजना इसकी कमी की पूर्ति का एक महत्वाकांक्षी योजना आपके आशीर्वाद से इस प्रदेश को मिली जिसके 16,000 आवास हम इस वित्तीय वर्ष में भी पूरा कर सके हैं, शेष जो है उसे पूरा करेंगे। इतनी कृपा आपकी, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए हम चाहते हैं कि जो लोग पात्रता सूची में रह छूट गए उसमें भारत सरकार से हमने भी अनुरोध किया है, हमारे विभाग ने भी किया है कृपापूर्वक, यदि आप उचित समझें तो भारत सरकार से आपकी तरफ से एक अनुरोध कर लिया जाए कि जब भी संभव हो, हमने अगर सिर्फ डाटा को पूरा किया और उसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया तो उसमें आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद को ही श्रेय जाता है। अन्य प्रदेशों ने अगर सिर्फ डाटा को संतृप्त नहीं किया है तो ये उनका कार्य है, हमें उसमें अवसर मिले, जो लोग शेष हैं उन्हें जोड़ने की अनुमति मिले, इस पर भी आपके कृपापूर्ण मार्गदर्शन का अनुरोध है। और मुख्यमंत्री आवास में आपकी कृपा से ही हम 1,00,000 के ऊपर आवास बना रहे हैं, दैवीय आपदा से जो लोग प्रभावित हैं उन्हें दे रहे हैं, ऐसे श्रेणी को भी आपने शामिल किए करने की अनुमति दी जिन्हें कहीं नहीं भी शामिल किया गया था, उन्हें भी हम छत विहीन थे उनको भी हमने आवास से सुसज्जित किया है। निश्चित रूप से ग्राम विकास विभाग की सेवा और प्रधानमंत्री आवास शहरी को मिलाकर जो प्रदेश की सेवा हो रही है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है, कल्पना से परे है। निश्चित रूप से भारत सरकार ने इसका आकलन भी किया और समय समय पर जब भी उत्तर प्रदेश के कार्य का आकलन भारत सरकार ने किया तो हमारे विभाग को उन्होंने पुरस्कृत भी किया है जिससे उत्तर प्रदेश का मान सम्मान भी बढ़ा है। और मैं पुनः आपके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए इस विभाग कि उत्तर उत्तर प्रगति हो इसकी आशीष की प्रार्थना करते हुए जो हमने निवेदन किया है उस पर विचार करने की याचना करते हुए मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और अपने विभाग को भी इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप बेहतर प्रयास किया, बेहतर काम परिणाम दिया और आगे भी हमारा विभाग इस तरह का परिणाम देगा, ये मेरी शुभकामना है और ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब इस शुभ घड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अपने कर कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज जिन 5,51,000 लोगों के घर पूरे हुए हैं उनके गृह प्रवेश कार्यक्रम का रिमोट से शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री, एक आदमी इधर आ जाओ, एक आदमी इधर आ जाओ। मुख्यमंत्री जी, आज आपसे कुछ ऐसे लाभार्थी मिलेंगे जिनको लगभग 6 महीने पहले आपने पहली किस्त अंतरित की थी। इनमें से 5 लोगों को आज यहाँ पे बुलाया गया है ताकि वो आपसे रूबरू हो सके। मैं इस क्रम में सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती रेमा अयोध्या से हैं, जिनको
अपने हाथों से सौंपे प्रेमा जी। इनका आवास बन गया है, आइए लीजिए। अयोध्या से आए हैं आप? अयोध्या से कब चले थे? कल आए थे। यहाँ को सुबह खाने के लिए दिया कि नहीं दिया? तीसरे नंबर पे श्रीमती मीरा देवी बनारस। अगला श्रीमती संगीता देवी कुशीनगर। ये सभी मुख्यमंत्री आवास योजना के श्री बरई सोनभद्र। ठीक है, ठीक चलिए भाई, ठीक है, आशीर्वाद बनाए रखे आप। श्रीमती अंशु देवी कहाँ इनका घर पड़ता है? रायबरेली से हैं आप? ठीक है, मकान आपका बन गया है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? पहले क्या होता था? पहले सर झोपड़ी थी, मकान था, बारिश में दिक्कत उक्कत पड़ती थी, अब सर बन गया, सब मिल गया, जिंदगी में बहुत खुश है। ठीक है, चलिए बधाई आपको और आपके परिवार के लोगों को एक अच्छा आवास बनने का। अगला मीरा देवी हैं सर, ये बनारस की हैं और मकान बनने के पहले इनके पति और ये लोग कच्चे घर में रहते थे सर, और अब इनकी स्थिति काफी बदल गई है सर। मीरा देवी जी प्रणाम सर। मीरा देवी जी, आपका मकान तो अब अच्छा बन गया ना वहाँ पे? जी सर, पहले आप लोग मुसहर होंगे ना? जी सर। तो आपके पास तो जमीन का पट्टा भी नहीं रहा होगा? नहीं सर। अब तो मिल गया ना? जी सर। जमीन का पट्टा, मकान का, मकान भी बन गया है। जी सर। राशन कार्ड मिला कि नहीं मिला है? राशन कार्ड था सर।
राशन कार्ड भी मिल गया है आपको और आपके परिवार को, बहुत बहुत बधाई। अगला सर संगीता देवी हैं, ये कुशीनगर की, ये एसआरएलएल में भी काम करती हैं सर, और ये बंटवारे के बाद जब इनका परिवार अलग हुआ पिता से तो फिर ये हैदराबाद में काम करते थे सर, और उसके पहले जो इनका घर था उसकी स्थिति आपने देखी सर। अब ये लोग नए घर बनने के बाद कुशीनगर में ही रहकर अब काम कर रहे हैं। अब आप तो आपका मकान बहुत अच्छा हो गया है, जब मैं गया था 5 साल पहले तब तो झोपड़ी थी, हाँ तब झोपड़ी थी। तो बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। हाँ बताएं, ठीक है ठीक है, वो मिलेगा, घबराओ मत, काम कर रहे हैं आप, एसआरएलएम में काम कर रहे हैं ना भाई, खेतिहर मजदूर हैं सर, नरेगा में भी काम कर रहे हैं, जमीन लेंगे, बहुत सुंदर, मेहनत से काम करो। अगले बराई हैं सर सोनभद्र के। हाँ सर। भाई जी आप अपना बताइए, मकान बनने के बाद मकान सब सही बन गया सरकार, हम लोग बहुत सुविधा हो गया, अभी झोपड़ी में रहते हैं और बहुत परमिशन मिल जाते हैं, हम बहुत लगते हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं सर, ठीक है, बहुत सुंदर। अगला कुमकुम जी है सर, ये अयोध्या से, अब हम लोग अयोध्या कनेक्ट करेंगे, और इनसे जब घर शुरुआत हुई थी पहली किस गई थी तब भी इनके साथ बात हुई थी सर, ये स्कूल में काम करती हैं, अभी इनका मकान बनकर तैयार है सर। कुमकुम जी अयोध्या, शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा, और आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं समाज में अगर जागरूकता का काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। हमारा फतवा साहब पढ़े बहुत बार, काम करेंगे ना आप जी सर, गांव में अन्य लोगों को भी आप इस योजना का लाभ दिलाएंगे ना जी, ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई सर। जरूर जरूर दिलाएंगे, ये इसीलिए तो हम लोगों ने महिला स्वयं सेवी समूह इसीलिए बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग उसमें काम कर सकती हैं, मनरेगा के माध्यम से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी जितने भी ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम हैं इन सभी उद्योगों में भी अब रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है, उसके लिए वहाँ पर जाकर के उन लोगों से संपर्क करना, उन लोगों के माध्यम से काम धंधे को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए, और अपने गांव में ही रोजगार भी मांगना चाहिए। आज से तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भी खुल गए हैं, तो स्कूलों के साथ भी जुड़ करके इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब हम चलेंगे बनारस कमला देवी के पास, इन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपनी जिंदगी अभी तक बिताई है, और इन्हें नरेगा में काम करने के साथ साथ पीएम सम्मान निधि का भी लाभ मिलता है, और इन्होंने एसआरएलएम से जुड़कर 30,000 रुपए का लोन लेकर बकरी पालन का भी ये काम करती है। कमला देवी जी बनारस। हाँ नमस्ते कमला देवी जी, कैसे हैं आप? ठीक है।
मकान बन गया आपका? अच्छा, ये जो है, ये जो साथ में लोग बैठे हैं, दोनों पर आपके, एक तो आपके ये सामने आपके कौन हैं साथ में? अच्छा, आपका आदमी और आपकी बेटी है। अब देखिए, आपकी बेटी तो आपकी घर की लक्ष्मी हो गई, उसने आते ही जो है घर भी बनवा दिया अब आपके लिए। अब आपको बताइए क्या क्या योजना का लाभ मिलता है? हाँ राशन कार्ड में राशन भी मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिलता है। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप जैसे लोगों के लिए ही इन सब योजनाओं को लाभ दिलाया है कि आप सभी लोग कच्चे घर में न रह करके पक्के घर में रह सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाया है, रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया है, बिजली का कनेक्शन दिया है, हर परिवार में जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को एक एक शौचालय भी उपलब्ध करवाया है, और कोरोना में तो फ्री में राशन भी देने का काम हुआ है। आपको तो राशन का लाभ भी मिलना होगा ना? देखिए, अच्छी सरकार जब चुनी जाती है तो ऐसे इसका लाभ मिलता है। और कमला देवी जी, ये काशी वासियों का तो सौभाग्य है कि आप लोगों के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आप लोग अच्छा काम काशी में करते हैं, पूरा देश इसका लाभ ले लेता है। इसलिए आपको, आपके पूरे परिवार को आवास बनने पर बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और बाबा विश्वनाथ जी से ही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के जीवन में और अच्छी खुशहाली लेकर के आए। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, वो भी करवाएंगे, राशन भी मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। रास्ते का रास्ता भी बनेगा, गांव में रास्ता भी बनेगा, आप चिंता मत करिए, वो ही बनेगा। अब हम चलेंगे प्रतापगढ़ सुशीला देवी के पास, जिनका आज के पहले मकान बहुत कच्चा था और बारिश में बहुत दिक्कत होती थी, साफ सफाई भी नहीं रख सकते थे और रात में सो भी नहीं सकते। अब इनके मकान बनने के बाद खुद और इनकी बेटियों को सुरक्षा और निष्ठा के साथ एक खुशी महसूस कर रहा है पूरा परिवार। इनकी बड़ी बेटी बीए में पढ़ रही है और इन्हें भी विभिन्न योजनाओं जैसे बिजली कनेक्शन, शौचालय और नरेगा के साथ जोड़ा गया है। सुशीला देवी जी, प्रतापगढ़। सुशीला देवी जी, कैसी हैं आप? आपको नमस्कार मुख्यमंत्री, मेरा हम ठीक हैं। हाँ नमस्ते, आप बताइए, आपका मकान बन गया? अच्छा, मकान में आपको पूरा पैसा मिला था, किसी को पैसा देने की नौबत तो नहीं आई थी? नहीं सर, पूरा मिल गया। पूरा मिल गया है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? तीन बेटी हैं। हाँ, एक बेटा है। तो ये बेटियों को पढ़ाया भी? हाँ हाँ, पढ़ाई कर रही है। कौन कौन क्लास में पढ़ रही है? ये फर्स्ट ईयर है। हाँ, रोज जाती है स्कूल ना? हाँ, हाँ, जाती। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? लोग यही मजदूरी करते हैं, घर पे रहते हैं। हाँ, पहले मकान नहीं था तब क्या होता था? बहुत सर, बहुत परेशानी लगती है। अब तो आपका मकान पक्का हो गया है? हाँ सर, पक्का हो गया। अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना? बच्चों को पढ़ाइए भी, और साथ साथ सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ भी ले करके उनका भरपूर लाभ स्वयं भी लें, और गांव के अन्य जरूरतमंदों को भी इन योजनाओं का लाभ अगर आप देंगे तो देखिए इसका भी लाभ आप ही लोगों को प्राप्त होगा, इसका भी जो है पुण्य आप ही लोगों को प्राप्त होगा।
आपको मुख्यमंत्री आवास योजना में इस योजना का लाभ दिया गया है, और भी किसी योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला है? क्या क्या और मिला है? हाँ, शौचालय भी बन गया, लाइट कनेक्शन हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, राशन कार्ड भी मिल रहा है, राशन मिल रहा है हर महीने, राशन मिल रहा है। चलिए, बहुत सुंदर। सुशीला देवी जी, आपको और आपके परिवार को मकान बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही शासन की योजनाओं के माध्यम से आप सभी स्वावलंबन की ओर, यानी अपने पैरों पर खड़े होकर के आत्मनिर्भर बनने की भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सभी लोग योगदान दे सकेंगे, इसके लिए मैं आपको और आपके पूरे परिवार को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे बहराइच की हाजरा बेगम के पास, जो मुख्यतः ईंट भट्टे में काम करती थी और कभी कभी नरेगा में भी काम करती थी, और अब उनका मकान बनकर तैयार है। हाजरा बेगम जी, बहराइच। हाँ, कैसे हैं हजारा बेगम जी? आप ठीक हैं जी? नमस्ते आपको। नमस्ते। आपने तो बहुत बड़ा मकान बना दिया जी। हाँ। अच्छा, ये सब जब देखे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है आप लोगों को जी? हाँ, मोदी ने दिया। तो मोदी जी ने इतना बड़ा आवास आपके लिए दिया, आपने मिलकर के परिवार में, और कौन कौन लोग हैं आपके यहाँ? छह लोग हैं परिवार में। ठीक है। अच्छा बताइए हजारा बेगम जी, आपको और किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है? इसमें सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी किसी में आपको? नहीं। ये सब मिल गया ना आपको योजना का लाभ? जी हाँ। देखिए, अच्छी सरकार जब आती है तो ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करके हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ देती है जी। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले भी बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बने होंगे लेकिन तब गरीब को आवास नहीं मिलता था, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, तमाम घरों में शौचालय नहीं थे, लोग परेशान होते थे, तमाम शिकायतें मिलती थी, बीमारियां अलग से होती थी। लेकिन आज इतनी योजनाओं का लाभ सभी को बिना भेदभाव के मिल गया है। आपको आज आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? चार बच्चे हैं, दो लोगों का परिवार है। ये बच्चे स्कूल पढ़ते भी हैं? जी। कहाँ पढ़ाई करते हैं लोग? ये गांव में बगल में स्कूल है। हाँ, अच्छा पढ़ाई है इन बच्चों को जी? अच्छा पढ़ाई। अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो इसका लाभ मिलेगा इन लोगों को, ठीक है ना? हजरा बेगम जी, आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इतनी अच्छा आवास बनाने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना अच्छा लाभ लिया है और अपने परिवार के लोगों को इस योजना से पूरी तरह आच्छादित किया है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम चलेंगे जहाँ तत्कालीन सीडीओ खीरी के अरविंद सिंह, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने क्लस्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का घर बनाया है और सारी स्कीम्स को वहाँ पे कन्वर्ज भी किया। तो एक छोटी सी फिल्म है खीरी के ऊपर। पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए हरेक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए इतनी योजनाएं दी। उन योजनाओं का उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए और मैं इसलिए कहूंगा कि इसको अभियान लगा करके इन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें। गरीबों के लिए क्लस्टर में आवास, पार्क, शौचालय और अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। विकास प्राधिकरण की तर्ज पर नियोजित एकीकृत आवासीय परिसर के रूप में विकसित करने की यह संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी खीरी द्वारा विकास खंड कुंभी गोला के ग्राम पंचायत लंदनपुर ग्रंथपुर की गई। इस परिकल्पना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारियों के साथ मिलकर प्रयास किया गया। इस कार्य को कुशलता पूर्वक पूरा करने के लिए शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं का अभिसरण करते हुए बाबा गोकर्णनाथ ग्रामीण आवासीय परिसर से इसकी शुरुआत हुई। इस आवासीय परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची से 26 बेघर लाभार्थियों का चयन किया गया। जरूरतमंदों को लाभ मिले इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन सुनिश्चित किया गया और एक साथ आवासीय पट्टा कराते हुए आवासों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस आवासीय परिसर में संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए मनरेगा योजना से सड़क, जल निकासी के लिए नाली, संपर्क मार्ग और मनरेगा पार्क के साथ ही व्यक्तिगत लाभार्थ के तहत वर्मी कंपोस्ट, पशु छाया गृह प्रदान किए गए। गांव के भरपुर में रह रहे थे, वहाँ हमारी टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी हुई थी, रहने की जगह नहीं थी और यहाँ सारी सुविधाएं, कोरोना का टीका हमारे लगा हुआ और पेंशन भी बनवाई गई और उसके बाद में यहाँ रोड भी है पक्के, सभी नालियाँ पक्की हैं, सब बनी हुई हैं, खुली हवा मिल रही है, पानी की टंकी लगी हुई है, पशु पालने के लिए पशु आश्रय दिया है, तीन डाल करके फस लगाई उसमें और गाय हमारी बली हुई है उसमें चारा खाती है। माननीय योगी जी ने जो एक आवास दिया है, ये आवास पा करके हम बहुत ही खुश हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय से लाभान्वित कराते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा विद्युतीकरण भी सुनिश्चित करवाया गया। आपूर्ति विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड और उज्ज्वला योजना के द्वारा निःशुल्क रसोई गैस प्रदान की गई। गांव में रहते थे, पांच झोपड़े करे थे, बहुत चुपते थे, बहुत तकलीफ होते थे हमको, प्रधानमंत्री के द्वारा से कॉलोनी भी मिली और शौचालय भी है, हैंडपंप है, यहाँ सारी व्यवस्था है। मोदी जी को, योगी जी को अपने तरफ से और भैया जी के सब की तरफ से धन्यवाद। योगी जी को और मोदी जी को हम अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जनहितैषी सभी योजनाओं के समन्वय से किसी भी अतिरिक्त धनराशि के बिना ही ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय स्वरूप की इस आवासीय परिकल्पना को साकार स्वरूप दिया गया है। बेघरों का सपना पूरा कर रही सरकार, मिल रहा है इन्हें अपने घर का उपहार। जो हम लोग पहले से भी चलाते आ रहे थे उसमें एक नए परिकल्पना की गई। व्यापक अभिसरण को हमने अपनाया, नियोजित एवं एकीकृत आवासीय टाउनशिप कैसे हमारे ग्रामीण अंचल में बन सके इसको धरातल पर सृजित करने का एक प्रयास किया गया। हमने दो जगह से यह चीज को शुरुआत की थी, सर्वप्रथम बाबा गोकर्णनाथ की स्थली न्यू लंदनपुर ग्रंथ से शुरुआत किया और नाम दिया बाबा गोकर्णनाथ आवासीय परिसर। माननीय प्रधानमंत्री जी का दूसरे नंबर की माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह दृष्टिकोण और संकल्प रहा है कि गरीबों को, वंचितों को मात्र पक्का घर नहीं मिले परंतु समस्त बुनियादी एवं सर्वोत्तम सुविधाएं भी ग्रामीण आवासीय योजना के तहत उनको प्राप्त हो। इसी के क्रम में हम लोगों ने खीरी जनपद में यह प्रयास किया। सबसे बड़ी
जो ये सोच थी वही है कि गांव का विकास बनाम नियोजित विकास किस प्रकार से हो। सदियों से गांव बढ़ रहे हैं, बस रहे हैं, परंतु क्या नियोजित तरीके से वो विकसित हो पा रहे हैं, यह सोचने की आवश्यकता हम लोगों ने सृजित की है। गांव में नाली, सड़क, पेयजल, आवास इत्यादि की सुविधाएं हेतु पर्याप्त धनराशि का व्यय किया जा रहा था, परंतु वह अपने सर्वोच्चम पोटेंशियल को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ। इसलिए ही नियोजन एवं अभिसरण कन्वर्जेंस को अपनाया गया और इन सबके लिए हम लोगों ने पायलट शुरू किया। वह था बाबा गोकर्णनाथ की स्थली लंदनपुर ग्रंथ से, और इस काम को सुचारू रूप से कराने के लिए तीन चीजों का विशेष ध्यान दिया। पहला नियोजन मतलब प्लानिंग, व्यापक अभिसरण व्यापक कन्वर्जेंस, और दृढ़ संकल्प के साथ धरातल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, यही सबसे बड़ा विकल्प साबित हुआ। खीरी में जैसा कि विकास प्राधिकरण डेवलप करते हैं, वैसे ही एकीकृत नियोजित विकास को उस रूप में बाबा गोकर्णनाथ आवासीय परिषद टाउनशिप को धरातल पर लाने का एक संकल्प लिया गया, और अब वो पूरा हो चुका है सर आपके आशीर्वाद से। एक सोच थी कि गांव से हम नया गांव किस प्रकार से बनाएं, जैसे दिल्ली से नई दिल्ली बसी, नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बसा, मुंबई के बाद नवी मुंबई बसती है, और अब लखनऊ में भी लखनऊ विस्तार हो रहा है जो कि शहरी विकास को एक सार्थक दिशा अग्रसर करता है, परंतु गांव कभी भी नए स्वरूप में नियोजित तरीके से संभवतः विकसित नहीं हो पा रहे। गांव बड़े तो हो जाते हैं, विस्तारित भी हो जाते हैं, परंतु एक नया गांव नहीं बन पाता। गांव में अनियोजित विस्तार से कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, इसलिए लंदनपुर ग्रंथ से न्यू लंदनपुर ग्रंथ किस प्रकार से बना, यह संकल्प लिया गया। एक सोच रखी गई कि घनी बसावट वाली जो आबादी है उसके इतर व्यवस्थित एवं नियोजित रूप से गांव की बाहर जो राजस्व की बचत की जमीन होती है उसमें एक साथ आवासीय पट्टा कराकर एक नया गांव एवं आधुनिक ग्रामीण आवासीय परिसर टाउनशिप का सृजन किया जाए। विकास भवन क्यों ना विकास प्राधिकरण की तर्ज पर काम कर सके, जैसे विकास प्राधिकरण में एकीकृत रूप से नक्शा निर्धारण करते हैं, बड़े जमीन का चयन करते हैं, गेटेड टाउनशिप बनाते हैं, सड़क, बिजली, पानी, सीवर सब करते हैं, उसी प्रकार से विकास भवन के अंतर्गत जो समस्त विभाग आते हैं अगर वो एकीकृत रूप से बड़े विजन के साथ नियोजन करें और उसका एक साथ क्रियान्वयन करें तो धन के व्यय के सापेक्ष सर्वोच्च परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। इस हेतु जो बचत की राजस्व की बचत की बड़ी भूमि होती है उनका आवासीय पट्टा एक साथ कराते हुए और एक साथ चौहद्दे निर्धारण कराते हुए तथा एक साथ कब्जा दिलाने में राजस्व विभाग एवं ग्राम विकास विभाग अगर संयुक्त अभियान चलाए तो ग्रामीण आवास की योजनाओं में बहुत सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जिसका क्रियान्वयन हम लोगों ने खीरी में सर किया। आवासीय परिसर का एक मॉडल डिजाइन एवं नक्शा निर्धारण करना भी एक प्रगतिशील कदम होगा। लंदनपुर ग्रंथ से किस प्रकार से न्यू लंदनपुर या नया लंदनपुर ग्रंथ बना, एक पायलट प्रोजेक्ट था। इसमें सर 26 लाभार्थी ऐसे थे जो कि भूमिहीन थे, आवासहीन थे, एक साथ इन लोगों का जो है पात्रता सूची से चयन किया गया और इनको एक साथ जो है बचत की जमीन का पट्टा कराते हुए चौहद्दे निर्धारण कराया गया और जल्द से जल्द इनको कब्जा प्रदान कराया गया, और ये गांव के सुनियोजित विकास की आधारशिला थी। यहाँ पे सर 10 विभिन्न विभागों की 17 प्रोग्राम के तहत 30 स्कीमों का एक साथ अभिसरण कन्वर्जेंस किया गया सर, ताकि एक ही साथ इन सभी लोगों को आधुनिक और नियोजित आवासीय गेटेड परिसर, गेटेड कॉलोनी बनाया गया है टाउनशिप, वो सोच फलित हो सके। सर यहाँ पर हम लोगों ने सर्वप्रथम सुनियोजित नक्शा एवं आर्किटेक्ट से डिजाइन तैयार कराया और उसको अंतिम रूप दिया, फिर चौहद्दी का जैसे देख सकते हैं निर्धारण कराया और एक साइज के प्लॉट काटे आवास के लिए। इसी में जो है सर सार्वजनिक पार्क के लिए, पाथवे के लिए, एक मंदिर भी बनवाने के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए स्टोर रूम, उनके लिए ऑफिस के लिए प्लॉट काटे सर, कैटल शेड और वर्मी कंपोस्ट 26 बनवाए सभी के लिए व्यक्तिगत, और टॉयलेट भी सबके लिए व्यक्तिगत बनाया और तालाब का भी डिजाइन जो है इसमें समाहित किया गया और प्लॉट काटे गए सर। हम लोगों ने यह पाया कि धन या ग्रांट से कहीं ज्यादा प्रभावी जो है व्यापक अभिसरण है सर, और सूक्ष्म प्लानिंग है तथा दृढ़ संकल्प के साथ अगर धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो धन की संभवतः उस प्रकार से आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितना कि नियोजन की पड़ रही होगी। अलग अलग विभागों की योजनाएं सर जब एक अलग अलग चलती हैं तो डुप्लीकेसी की संभावना रहती है, और एकीकृत रूप से सर वो उच्च स्तरीय सार्वजनिक प्रयोग की परिसंपत्तियां भी संभवतः कर पाने में उतना सक्सेसफुल नहीं होती। अगर सारे विभाग की योजनाओं को समेकित रूप से सदुपयोग किया जाए, एक साथ चलाया जाए अभिसरण के माध्यम से, तो आवास योजना में मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकता होती
और इस हेतु हमें कोई भी अतिरिक्त ग्रांट या आर्थिक सहयोग की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई सर। नेक्स्ट, हम लोगों ने पाया कि इसमें सबसे ज्यादा जो हमारी रीढ़ की हड्डी रही सर, वो टीम वर्क ही रहा। इस सोच में समस्त विभाग, समस्त खंड विकास अधिकारी, विशेष रूप से बीडीओ राकेश सिंह, बीडीओ देवेंद्र सिंह, समस्त पंचायत सचिव अधीनस्थ कर्मचारियों ने पूर्ण मनोयोग से काम किया विजन के तहत, उसके कारण ये फलीभूत हो पाया सर। सर, जो एकीकृत नियोजित विकास का ग्राउंड मॉडल की बात खीरी में की जा रही है, जिसके तहत बाबा गोकर्णनाथ न्यू लंदनपुर ग्रंट आवासीय परिसर बनाया गया, उसमें जो अभिसरण किया गया सर, उसमें सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 26 यूनिट ली गई, परंतु नरेगा के माध्यम से 10 स्कीमों को इम्प्लीमेंट किया सर। आवास निर्माण का सामान, कैटल शेड, गोट शेड, तालाब, मनरेगा पार्क, वर्मी कंपोस्ट, इंटरलॉकिंग कराया सर, जल निकासी के लिए नाली अच्छी बनवाई गई, SLWM पे काम कराया गया, वृक्षारोपण कराया गया, स्वयं सहायता समूह के लिए वर्कशेड एवं उनका ऑफिस कराया गया सर। वही की जो गरीब महिलाएं 26 थी, उनका जो समूह भी बनाया गया, उनको जो पेंशन का जो है लाभ दिया गया, महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला से सबको आच्छादित किया गया सर। और सबसे बड़ी बात, राजस्व विभाग से एक साथ सबको पट्टा कराया गया, कब्जा दिलाया गया, क्रिटिकल गैप के थ्रू जो ट्रांसफार्मर और विद्युत पोल जो है उस सोसाइटी के लिए अलग से डेडिकेटेड लगाए गए, राशन कार्ड सबका बना, गैस कनेक्शन सबको उज्ज्वला योजना से दिया, सबके लिए शौचालय बने, पंचम और पंद्रहवा केंद्र वित्त आयोग से हमने स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं, सोलर लाइट लगवाए हैं, हैंडपंप लगवाए हैं, जो दो तोरण द्वार हैं वो भी बनाए हैं, मंदिर भी सर वहाँ पे भगवान शिव जी का बनवाए हैं सर। आयुष्मान भारत से हम लोगों ने गोल्डन कार्ड से सबसे आच्छादित किया है, कोविड वैक्सीनेशन करा दिया है, माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित गोवल सहभागिता के सह सबको जो है एक एक जो है कैटल दिया हुआ है, जो कि वो पीछे भाग रहे होते हैं सर। सबसे बड़ी बात, उस कॉलोनी की बाउंड्री के लिए कोई अतिरिक्त धन नहीं किया कहीं से जरूरत पड़ी, हम लोगों ने जो व्यक्तिगत कैटल शेड और गोट शेड बनवाए थे उसी की एक दीवार को हमने कॉमन बाउंड्री की तरह बना लिया, जिससे कि गेटेड टाउनशिप हो गई सर। नेक्स्ट, इस प्रकार से सर, जो सर आपकी परिकल्पना रही, माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना रही, सोच रही कि सिर्फ पक्का मकान ही नहीं, अभी तो समस्त बुनियादी सुविधाएं और सहवर्ती सुविधाओं से संपन्न नियोजित आवास हमारा बने, इस सोच को साकार करने के लिए सर एक प्रयास किया गया सर। और रात का भी जो इसमें जो दृश्य है सर, बहुत ही भव्य आता है, बहुत अच्छे तरीके से लाइटिंग्स वगैरह है, इसमें वॉकिंग ट्रैक भी बनवाए हैं, इसमें पाथवे बना है सर, अभी जो निर्माणाधीन है स्वयं सहायता समूह का जो ऑफिस और वर्कशेड है सर, काफी भव्य रह रहा होता है, और सबके घर में अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन है, सबके घर में बिजली का कनेक्शन है। ये पीछे देख सकते हैं सर, एक तालाब बनवाया हुआ है नीचे वाले चित्र में, यह तालाब शाम को लोग बैठ सकते हैं मछली पालन के लिए, ताकि इससे जो आमदनी हो, जो सोसाइटी को चलाने में काम आए। पीछे सबके लिए 26 कंपोस्ट पिट बनवाया है, ताकि घर के जो कूड़े हैं उसको उसमें डालें और उससे वो खाद बन जाए, ताकि गंदगी कहीं पर ना हो रहा हो। पूरी डिजाइनिंग है सर, पीछे की तरफ भी एक गेट लगा है, जिससे कि आदमी बाहर से आकर के अपना ट्रक से सामान स्वयं सहायता समूह के वर्कशॉप में डाल सके और सीधे मंदिर में भी जा सके, और आगे भी एक फ्रंट में है सर। तो इस प्रकार से अभिसरण से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और एक नियोजन से सर, एक नया लंदनपुर टाउनशिप बनाने की परिकल्पना की गई हुई है सर। और इस चीज के लिए आपके मार्गदर्शन का सर, और ग्राम विकास के मार्गदर्शन का, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होता है, आज की तारीख में ये साबित किया खीरी के सीडीओ साहब ने। लगभग सभी काम के लिए योजनाएं हैं, जरूरत और आवश्यकता से उनको कन्वर्ज करने के हैं सर। इन्हीं परिसर में रह रहे लाभार्थी के रूप में प्रेमवती हैं, उनसे वार्ता के लिए चले गए। प्रेमवती जी, खीरे देवी जी, क्या कर रहे हैं आप? कितने लोगों को मिला? जितने लोग वहां बैठे हैं सबको मिल गया?
चुनी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबको एक एक आवास के साथ साथ शासन की सभी योजनाएं दी जो एक परिवार के लिए और एक मनुष्य के लिए आवश्यक होती है। आपको सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी परिसर में रह रहे अगले हैं सरला सरला जी, श्रीमती सरला खीरी। सरला देवी जी, क्या आप क्या करती हैं? नमस्ते। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? सभी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ, सभी योजनाओं का लाभ मिला। क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला? जमीन भी मिली है, आवास मिला है, शौचालय भी मिला है, गौशाला भी मिला है, खाद डालने के लिए गड्ढा भी मिला है, रोड भी है, पानी वाली टंकी है, और हर योजनाएं भत्ते के कनेक्शन है, गैस के कार्ड भी है, और वो टीकाकरण लगो है। आयुष्मान भारत का कार्ड मिला कि नहीं मिला, जिसमें 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य का बीमा का कवर मिलता है? मिल गया ना? वो भी देखिए, जैसे आप लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, ऐसे ही अन्य जरूरतमंदों को आप लोग भी दिलाने में योगदान देंगे तो हर एक गरीब के जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। आपको सरला देवी जी, आपको और आपके परिवार के लोगों को और वहां पर उपस्थित सभी बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लोगों को इतने अच्छा मकान बन गया, कॉलोनी बन गई और आप लोग अच्छे ढंग से अब रह रहे हैं। तो तराई के बेल्ट में इतनी अच्छी आवासीय सुविधा, आपकी खुशी के साथ साथ हमारी बहुत खुशी है इसको लेकर के। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब अवसर है हमारे प्रेरणा के लिए और विभाग को एक मार्गदर्शन के लिए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उस अवसर संबोधित करने का। माननीय मुख्यमंत्री, 5,51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी उपलब्ध कराने के आज के समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और उपस्थित लाभार्थी भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना कि हर गरीब का घर हो अपना, यह साकार उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 4 वर्ष के दौरान ही मात्र प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर 41,73,000 से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध हुआ है, मैं इसके लिए आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज 5,51,000 लाभार्थी अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए भी आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं, आपको ढेर सारी बधाइयां हैं। देखिए, 4 वर्ष में लगभग
42 लाख के आसपास लोगों को आवास उपलब्ध हो रहा है, लेकिन अगर हम पिछले 30 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो मुश्किल से 53 लाख लोगों को 30 वर्षों में आवास मिल पाया था। यानी पहले ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के पिछले 2014 के पहले देश के अंदर जो सरकार होती थी उसके एजेंडे में गरीब नहीं होता था, उसके एजेंडे का हिस्सा न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा, और आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 लाख से अधिक लोगों को जो आवास योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विकास के एजेंडे का हिस्सा है। जो विकास पहले जातिवाद खा जाता था, क्षेत्रवाद खा जाता था, भाई भतीजावाद खा जाता था, आज वह विकास हर गरीब को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अच्छी सरकार चुनी जाएगी तो शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर गांव को बिना भेदभाव के प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज 5,51,000 लाभार्थियों को इस आवास योजना का लाभ उपलब्ध होना इसी का एक हिस्सा है। मैं सबसे पहले आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 70% लाभार्थी महिलाएं हैं, और उनको इस योजना के माध्यम से अपने परिवार को और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैंने लाभार्थियों से, मैं इसी बात की जानकारी ले रहा था, मैंने अभी परसों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों से मैं मिला था, और तब भी मैंने उनके साथ संवाद बनाते समय एक बात पूछी थी कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा और क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ज़्यादातर लाभार्थियों को आवास योजना के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण की योजना के साथ वे लोग जुड़े हैं, उन्हें राशन कार्ड में फ्री में राशन उपलब्ध हो रहा है, आयुष्मान भारत का कार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, उन्हें सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन प्राप्त हुआ है, निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन की योजना का लाभ, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हुआ है, और भी तमाम योजनाओं से सभी परिवार आच्छादित हो रहे हैं। और लखीमपुर खीरी में तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि क्लस्टर के आधार पर एक जगह ही उन सभी आवास विहीन लोगों के लिए कॉलोनी बना करके एक जगह उन्हें टाउनशिप बना करके उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें आवास, आवास के साथ साथ गो संरक्षण केंद्र, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, उनके लिए सड़क की व्यवस्था, उनके लिए पार्क की व्यवस्था, और उनके लिए उन सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ने का कार्य हुआ, जो वास्तव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, स्ट्रीट लाइट, यानी एक आदर्श गांव की, स्मार्ट विलेज की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, उस स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को ये साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लखीमपुर खीरी के लंदनपुर में यह कार्य योजना लागू करने का प्रयास हुआ है, मैं इसके लिए लखीमपुर खीरी के अपने सभी अधिकारियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। जिला प्रशासन से मैं कहूँगा कि वहाँ पर अच्छा होगा कि पार्क में एक कोने में ओपन जिम का भी निर्माण करें। ये ओपन जिम जो बच्चे वहाँ पर खेलकूद में भाग लेना चाहेंगे उनको वहाँ पर खेल का एक मंच भी मिलेगा। और अभी आपने देखा होगा कि
कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से भारत के खिलाड़ियों को खेलने के लिए एक मंच दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और अभी आपने देखा होगा पैरालंपिक में भी भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी दिव्यांगता को अपने परफॉर्मेंस के सामने आड़े नहीं आने दिया, बेहतरीन प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है हर गांव को इसके लिए तैयार होना होगा, हर एक मोहल्ले को इसके साथ जुड़ना होगा, हर एक खिलाड़ी को इसके साथ जुड़ना होगा और हर एक नागरिक को इसके साथ जुड़ना होगा। दूसरा, एक नई परिकल्पना, क्या हम अपने गांव में इस प्रकार को लागू कर सकते हैं कि हमें सामुदायिक केंद्र बनाना है, उस गांव से जुड़े हुए कोई संभ्रांत नागरिक अच्छी स्थिति में है तो वह अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहता है आधा पैसा वो दे आधा पैसा राज्य सरकार उन्हें दे और मिलकर के फिर इस कार्य योजना को आगे बढ़ा दें। देखिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इन 75 वर्षों में हमारी परिकल्पना विकास की क्या होनी चाहिए, केवल सरकार पर आश्रित रह करके नहीं बल्कि समाज की चेतना को जागरूक करके समाज को भी विकास की इस मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य अगर हम कर सकेंगे तो सरकार और समाज जब मिलेगा तो विकास कई गुना आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि अब यह समय आ गया है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में विकास के इस नए मॉडल को भी अक्सर से लागू करने का प्रयास कर सकेंगे। उसका एक लघु रूप आपके यहां कन्वर्जेंस के माध्यम से लखीमपुर खीरी के लंदनपुर में चीज देखने को मिली, आपने नाम के अनुरूप उसको साकार भी कर दिया है कि वहां पर अब तक लंदनपुर नाम आप लिखते थे लेकिन झोपड़ियां रहती थी, लोग बड़ी दयनीय स्थिति में रहते थे, लेकिन आज लंदनपुर नाम सार्थक होता है जब वहां की सड़कों को इंटरलॉकिंग लगी हुई देखते हैं लोग, वहां पार्क को देखते हैं, कॉलोनी को देखते हैं, रात्रि में स्ट्रीट लाइट को देखते हैं, वहां पे पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो चुकी है, पेयजल का शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है, तराई बेल्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसके लिए वहां के मुख्य विकास अधिकारी जो वहां पर उस समय तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी और इस समय उपाध्यक्ष हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के अरविंद सिंह और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं बधाई दूंगा और जिला प्रशासन से कहूंगा कि इस कॉलोनी में एक ओपन जिम को भी आप वहां पे ग्राम प्रधान निधि के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक होगा मॉडल होगा वो, अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के मॉडल बनाए जा सकते हैं जिसको हम वहां पर लोगों को तमाम प्रकार की आजीविका के साथ जोड़ने का कार्य भी उसके माध्यम से कर सकते हैं। 26 परिवार रह रहे हैं, अगर 26 परिवार मिलकर के दो दो गाय भी पालेंगे और वहां पर एक गोबर गैस प्लांट सबका मिलकर के एक साथ हो जाए तो मुझे लगता है वह भी गोवंश को हम ऊर्जा के साथ भी जोड़ सकते हैं, आस्था के साथ साथ ऊर्जा के साथ भी जुड़ सकता है, वो एक नया मॉडल भी वहां खड़ा हो सकता है। हमें ये सभी मॉडल खड़े करने होंगे, हमारा गांव आत्मनिर्भर हो सके, हमारा गांव स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो सके, हमारा गांव प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्वयं आगे बढ़कर के कार्य कर सके। इसका एक दृष्टांत तो हमें अपने अपने गांव में अपने अपने क्षेत्र में खड़े करने पड़ेंगे और लंदनपुर उसका एक उदाहरण लखीमपुर खीरी के अंदर उस रूप में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए वहां के सभी जनप्रतिनिधियों को वहां के सभी प्रशासनिक और इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आवास योजना का लाभ याद करिए, प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के पहले आधा अधूरा पैसा मिलता था, 20,000 रुपया 25,000 रुपया वो अभी पूरा नहीं मिल पाता था, पैसे में भी सेंध लगती थी। अगर 20,000 रुपये में आवास योजना का किसी को लाभ मिल रहा है उसमें भी कटौती होती थी, उसमें भी तमाम लोग बेमानी और भ्रष्टाचार करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब का बैंक में अकाउंट खोला, जनधन योजना के माध्यम से हर गरीब का खाता खुलना और फिर
पैसा जाएगा तो गरीब के खाते में जाएगा, बीच में कोई दलाली और किसी को शैतानी करने का अवसर ना मिले। जब सख्ती के साथ इस व्यवस्था को लागू किया, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 41,73,000 ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इतने लोगों के आवास बन गए। यानी जो कभी लोगों की कल्पना थी, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे तो बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि आवास के अलावा शौचालय के भी निर्माण हुए हैं, उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिला है, सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिले हैं, हर गरीब के पास आज अपना राशन कार्ड है, हर गरीब को आयुष्मान भारत का 5,00,000 रुपये का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्राप्त हो रहा है। जितनी भी महिलाएं हैं, इन्हें महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि ग्राम्य विकास विभाग ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 52,00,000 बहनों को ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जोड़ा गया है। ये 52,00,000 बहुत बड़ी संख्या है। इन्हें रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने बाल विकास और पुष्टाहार के साथ इन सभी महिला स्वयंसेवी समूहों को, आजीविका मिशन को इसके साथ जोड़ दिया है। अब गाँव में कुपोषित बच्चों के लिए और कुपोषित माताओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए अब पोषाहार की व्यवस्था कोई अन्य व्यक्ति नहीं बल्कि आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनें ही वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, गांव में ही क्वालिटी का पोषाहार उन्हें उपलब्ध हो पाएगा। और इसको कई जनपदों ने सफलतापूर्वक अपने अपने यहां लागू कर दिया है। दूसरा, हम लोगों ने यह भी तय किया है कि अगर कहीं पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कोटे का विवाद होगा तो महिला स्वयंसेवी समूह को उस राशन कोटे की जिम्मेदारी दी जाएगी प्राथमिकता के आधार पर। और आज प्राथमिकता के आधार पर हजारों ऐसी बहनें हैं जो राशन कोटे की दुकानों का भी संचालन कर रही हैं। तमाम महिला स्वयंसेवी समूह खाद्यान्न के भंडारण की कार्रवाई को भी अपने अपने ग्राम पंचायतों में उस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, सिलाई कढ़ाई के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के क्षेत्र में जुड़ी हुई है। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों ने तो वहां पर थारू जनजाति के क्षेत्र में तमाम नए कार्य वहां पर करके अन्य लोगों के लिए प्रेरणा प्रदान की है। मुझे लगता है कि हरेक क्षेत्र में, मुझे लगता जैसे बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने, यानी दुग्ध उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ एक महिला स्वयंसेवी समूह है, कितना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छे काम हुए हैं। अगर ये सभी महिलाओं को अगर हम लोग इसी प्रकार के किसी न किसी आजीविका मिशन के साथ जोड़ करके विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे, उसका व्यापक लाभ होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के भावना के अनुरूप हम ग्राम स्वराज की, गांधी जी की परिकल्पना को भी साकार करेंगे, आत्मनिर्भर गांवों की परिकल्पना को भी साकार करने में मदद मिलेगी। आवास योजना का लाभ प्राप्त होने पर और आज 5,51,000 परिवारों को अपने अपने आवास में गृह प्रवेश करने पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विभाग को इस अच्छे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक लाभार्थी को बिना भेदभाव के प्रदान करने में आप लोग निरंतर इसी प्रकार से सक्रिय होकर के कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पूर्व के वर्षों में बमुश्किल 1.5 लाख घर एक वर्ष में बनते थे, आज ये रफ्तार। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज इस अवसर पे हर विकास खंड में 100-100 महिलाएं खुद उपस्थित हैं, जहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधिगण चाबी वितरण कर रहे हैं। और ग्राम पंचायतों में भी ऐसे ग्राम पंचायत जहाँ 1 साथ 40-50-100 घर बने, वहाँ भी प्रमुख और बाकी जनप्रतिनिधिगण इसका
कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सर। मैं कार्यक्रम के अंत में सर आपकी अनुमति से अनुरोध करना चाहूँगा माननीय राज्य मंत्री जी ग्राम विकास से, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज 5,51,000 परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए उनके नव निर्मित आवास के लिए प्रवेश एवं चाबी वितरण कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए और सदैव ही ग्रामीण विकास विभाग को अपना कुशल मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने माननीय मंत्री ग्रामीण विकास महोदय को, जिनके कुशल नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प सभी बेघरों को एक पक्का घर देने को पिछले 4 वर्षों में ग्राम विकास विभाग ने आवासों से आच्छादित करके कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित सभी सम्मानित अधिकारीगण को धन्यवाद देता हूँ और वर्चुअली जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, ब्लॉक प्रमुखगण को धन्यवाद प्रेषित करते हुए एक बार पुनः सभी लाभार्थीगण को बधाई शुभकामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार।